स्विट्जरलैंड में ऑफिशियली पहला दिन जहां हमने अपनी गाड़ी ली और हम स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव लॉटब्रुनन की तरफ रवाना हुए। तो हम लोग यहां से जाने लगे थे क्योंकि हम कह रहे थे कि हम दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन हमने पीछे देखा नहीं ये वाला व्यू। पहाड़ों पे बर्फ़ है क्योंकि हालांकि यहाँ पे गर्मी है स्विट्जरलैंड में अभी, लेकिन बहुत अच्छा है। लॉटब्रुनन जा रहे थे जहाँ पे हमने जाना है, और रास्ते में हमें दो मिनट अपने घर से निकल के हम सब मैक्सिमम 2 मिनट ड्राइव की और हम एक जगह पे आए हैं। आप देखो यार, मतलब क्या ही स्विट्जरलैंड की कैसे माशाल्लाह अल्लाह ने क्या कुदरत है। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, पाँव मेरे ख़त्म हो गए हैं, जम गए हैं, इतना ठंडा पानी और सैनम अजीब डड्डू बनी हुई है वहाँ पे। बार हुआ हम सुबह सुबह उठे हो और आके मजा आया हो, हमें जल्दी उठने का मजा आया हो, मतलब हमारे हिसाब से जल्दी। वैसे तो आज भी लेट उठे हैं, हमारे सामने इतना बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर बर्फ पड़ी है। ओ हाँ, वो पिछले वाले पे है, मतलब पहाड़ों के अंदर पहाड़ है, कुछ समझ से बाहर है। इतना अफसोस हो रहा है कि हम सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं यहाँ पे। हमने एक दिन आने आने में लग गया 7 घंटे की ड्राइव इटली से। खैर, मतलब अभी हमने जहाँ जाना है वहाँ हम नहीं जा रहे, हमें यही इतना मजा आ रहा है। रास्ते में एक छप्पड़ है बस, ये स्विट्जरलैंड का छप्पड़, स्विट्जरलैंड का तो छप्पड़ है ना, मतलब स्विट्जरलैंड में जो जो है उसके मुकाबले तो ये छप्पड़ है ना, लेकिन ये सारा ग्लेशियर वाटर है, ऊपर से वो पहाड़ों से मेल्ट हो के आ रहा है, उधर से आ रहा है। मैं मुझे अपना पाँव फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ये देखो पेंट गीली होगी। तो इस जगह की खूबसूरती से लुत्फ़ानंदोज़ होने के बाद वी क्लिक्ड अ फ्यू पिक्चर्स और हमने अपना लॉटब्रुनन का सफ़र दोबारा शुरू किया। हम फाइनली पहुंच गए लॉटब्रुनन, रुकते रुकते और हमारी की तैयारी चल रही है, और साथ में तैयारी नहीं चल रही, शूज़ पहन रहा हूँ, मिसगाइड करती है, तैयारी होती है हमारा, और साथ में व्यूज ऐसे हैं कुछ, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ और हर तरफ अलग ही पहाड़ है। अब उधर देखो, इधर आओ, वो देखो, वो सारे जो है ग्रीन पहाड़ है, ये पत्थर पहाड़ है, ये तो खैर पहाड़ कटा हुआ है ना, नहीं ये है ऐसा कटा, ये काटा होगा ना, ये जगह बना लॉटब्रुनन बनाने के लिए काटा होगा पूरा, सारी बात है देखो इतना सीधा। ये उसके बाद वो पीछे वहाँ पे सारे पथरीले और बर्फीले पहाड़ है, सॉरी पथरीले नहीं, यहाँ पे सारे मिक्स पहाड़ है, यहाँ पे कहाँ पे अच्छा पहाड़ों की सेल पे आ गए। और दिस इज कॉल्ड द टाउन ऑफ 72 वाटरफॉल्स, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स है 72, और जो के सामने नजर आ रही है। अब पायलट बन गई है, ड्रोन उड़ा रही है, मेरे को भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूँ। हम अपना बस्ता साथ लाए हुए हैं, यहाँ पे ये कोक का कैन यहाँ पे 5-7 यूरो का आराम से मिलता है, इसलिए हम इटली से अपना सामान पूरा ख़रीद के लाए, आइस टी, वेफर्स, केक, चिप्स, हर चीज़ घर से लाए हैं, हत्ता के वाइप्स तक। हाँ, वाइप्स बहुत ज़रूरी होती हैं यहाँ पर क्योंकि बाथरूमों में पानी नहीं होता, तो गीली गीली वाइप्स। मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में मैं इस व्यू में बैठ के चिप्स खाऊंगा, ना मुझे ये पता है जनाब की तरह, ना मुझे ये पता है ड्रोन की तरह, दुआ करना। अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाना, यहाँ मत फेंक जाना, साफ सुथरा मुल्क है, अपने मुल्क में भी ऐसे किया करो।
हेलो, मुझे लगा था मुझे नहीं पता ड्रोन की तरह जैनब चला रही है, उसे पता होगा, शायद उसे भी नहीं पता, ढूंढ रही है कुछ। जैनब भाई ये कह रही है मिल नहीं रहा। मिल गया या घूम गया? हाँ तो फाइनली ड्रोन मिलने के बाद हम निकल गए उस टाउन को एक्सप्लोर करने और हमने जाना कि स्विट्जरलैंड में नेचर के अलावा एक और भी खूबसूरती है और वो है उनके ये घर, और इसीलिए हमने थोड़ी देर वहाँ बैठ के सारा व्यू एंजॉय किया। मुझे कोई एक बात समझाओ, ये किसका घर है? ये एक घर इतने जंगल के बीच में। हाँ, स्विस चीज़ के बारे में तो सबको ही पता है, इन बेचारों की हालात देख लो, इनकी स्विस चीज़ें निकाल निकाल के तो बेचारे घंटे से हम वेट करें खड़ी हो जाए, लेकिन वो मुंह सुट के ऐसे बैठी जैसे पता नहीं क्यामत कर ली है। तो अमार की इन दोस्तों को खुदा हाफिज बोलने के बाद वी लेफ्ट फॉर अ टाउन कॉल्ड स्टेचलबर्ग, जहाँ से हमने लेनी थी केबल कार जो कि हमें पहाड़ों के ऊपर लेके जाती है। सबसे पहले हम यहाँ थे ये वाली वाटरफॉल पे लोटस बिनन, यहाँ से हम ड्राइव करके आए थे यहाँ पे स्ट्रेचलबर्ग, पता नहीं क्या नाम है, यहाँ से हमने चेयरलिफ्ट ली, ये थी 867 मीटर्स अबव सी लेवल, यहाँ से हमने चेयरलिफ्ट ली है यहाँ आए, फिर चेयरलिफ्ट ली यहाँ आए, अभी हम यहाँ पे हैं मुरन 1638 मीटर्स अबव सी लेवल, और अब हम यहाँ से जाएंगे वॉक करके यहाँ पे, यहाँ से ट्रेन लेके हम जाएंगे ब्लैक वाला, किधर है ओ बस इधर तक, ये है 19 मतलब 300 मीटर और ऊपर जा रहे हैं यहाँ तक, और ये टोटल ऊपर भी दुनिया है 3000 मीटर तक है। ओके, तो अब हम लोग मुरन है, यहाँ से हम लोग जाएंगे ट्रेन लेके और ऊपर, नाम मुझे नहीं आते बोलने, बहुत अजीब से यहाँ पे व्यूज़ ऐसे, हमारा पीछे हर दफा ब्लॉक ये व्यूज़ है यहाँ पे, मतलब मुझे ना पहाड़ नहीं आ रही है क्या, माशाल्लाह मतलब मेरे मुंह से बस यही निकली जा रहा है, लेकिन ये कैसे है और क्या है, मतलब किस तरह ये मतलब ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं हुई पहले, मतलब सोची भी नहीं हुई। ओके, अब हम ऊपर जा रहे हैं, बाय बाय। मतलब दो दो किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं, दो दो किलोमीटर ऊंचे पहाड़ सी लेवल से, और उनको काट काट के किस तरह स्विट्जरलैंड बना हुआ है पता नहीं, और यहाँ पे बहुत धूप है, नीचे हमें बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे हवा और बारिश शुरू हो गई, वियर्ड मौसम यार, पता नहीं मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मतलब ना बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बाय बाय, हम इंजॉय कर लें। ओके, ये अब प्रॉपर व्यू नज़र आ रहा है, ये है आप यार, मुझे नीचे फेंक दो, मैं चला जाता हूं। इतना अच्छा व्यू है, आप आ जाते हैं ब्लॉक करने, ना थोड़ा थोड़ा मुझे भी आना है ना, इट्स सो प्रीटी। मुरन करके ये नाम है, मैं इसको मुरन मुरन बोल रहा था, लेकिन ये इन लोग देखते रहते हैं यार, मैंने मैं पहले कॉन्फिडेंस नहीं है कैमरे का ऊपर से, खैर तो पहाड़ों के दरमियान में चली जा रहे और आगे अब ट्रेन स्टेशन से जाके ट्रेन पकड़ेंगे। लेकिन भैया क्या जगह है ये, मतलब ना मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है बस, माशाल्लाह कुदरत, कैसे कोई कह सकता है कि खुदा नहीं है, किसने बनाया ये सब, फिर तुम्हारी अम्मी ने, We were undiscovered, didn't care for one another, you and I.
true and I. ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली ट्रेन देखी है जो इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, मतलब ये ट्रेन है और ये ट्रेन सीधी, वो देखो आप नीचे से ऊपर आ रही है, मतलब वो इस तरह पूरा इंक्लाइंड है, ऊपर आ रहा है। और अगर आप मैं पीछे दिखाऊँ आपको तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो देखो something in me changed, don't know why, don't know why, you got me high but I'm sober, you make me lonely when I'm by myself, I should be free but I'm hoping that we could be something in the end, something more than friends. ओके, हम आलमन दुबल वो पीछे लिखा है, आलमन दुबल पहुंच गए हैं और ट्रेन में सिर्फ हम ही थे और एक पीछे आंटी थी हमारी, एक आगे थी, बस कोई भी नहीं था। और ये पहाड़ी पे सिर्फ इस टाइम मैं और ज़ैनब है और ये सामने दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और भैया वो व्यू क्या चीज़ है यार, वो क्या है, ये क्या है, ये जंगफ्रू है ना? अच्छा, ये जंगफ्रू नहीं है जो टॉपेस्ट रीजन है ना यूरोप का, ये इसके अलावा हाँ वो ये बादलों के पीछे ना, ये दरख्तों और बादलों के पीछे, इधर यार क्या हो गया यहाँ पे, मुझे सांस नहीं आ रहा, हाइट बहुत है ना तो खाना नहीं खाया हुआ अभी, वहाँ पे बादलों के पीछे छुपे हुए हैं जो ये कह लो इस तरह सीन है, यूं ऊपर जाके तो उधर को ऐसा, मतलब पहाड़ है, मतलब समझ जाओ यार खुद ही, मेरे में हिम्मत नहीं है, बस इंजॉय करो, बहुत मज़ा आ रहा है। पता है इसके नीचे पूरा वो है, जाम खड़े हैं ना, इसके नीचे से यूँ जाता है, टनल बना हुआ है, ये पहाड़ है, वो बस स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे, और उसके नीचे पूरा खुद के इन्होंने वो बनाया हुआ है टनल सा, और उसके अंदर पहाड़, टेढ़ा टनल, मतलब कैसे सीधा टनल तो समझ आता है, टेढ़ा टनल पूरा नीचे जाता है और आपको सांस नहीं आता जब आप 6-7 हज़ार फुट पे होते हो, चक्कर आते हैं, बताओ वो मुझे आ रहे हैं और लेकिन आपको लेकिन ये व्यू नज़र आता है क्या? मैंने कहा लेकिन आपको ये व्यू नज़र आता है यार, ये मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा वापस जाने का, ये तुम भी यही करो, तुम्हें करो दोनों, जितना आप ऊपर जाते जाते हो उतना आपका व्यू बड़ा होता जाता है, उतना आपकी आंखें ज़्यादा देख सकती हैं। तो हम ट्रेन लेके 3,000 मीटर तक तो पहुंच गए थे, अब बाकी उसके बाद हम अपने जूते लेके तो भूख लगी और सांस नहीं आ रहा इस वजह से, ये एक ट्रेल थी ऊपर आने की, हम उससे ऊपर आए जा रहे हैं, ट्रेन का हमने सहारा छोड़ दिया, अब हम खुद पाँव के ट्रेन स्टेशन वो नीचे वहाँ पे है, बल्कि वो तो रेस्टोरेंट है उसके पीछे ट्रेन स्टेशन था। और अब हमारा यही प्लान है कि हम वापस चलेंगे क्योंकि यहाँ से आखिरी ट्रेन 5 बजे जाती है और मेरे ख्याल में 4 बज गए हैं, 4:15 हो गए वाकई, ओह तो 4:15 हो गए हैं, मेरे ख्याल में 5 मिनट में नेक्स्ट ट्रेन है 4:20 पे, तो अब हम वापस जाएंगे और वापस जहाँ से नीचे से केबल लिफ्ट से चेयर लिफ्ट से आए थे वहीं पर वापस जाएंगे। क्या था जगह? मुरन ऐसा करके कुछ, तो हम आ जा रहे हैं वापस। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर हमारी इतनी मेहनत आपको पसंद आई हो तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने वालिदैन तक, अपने बहन भाइयों तक ज़रूर वो करें, मतलब हम वो, और सब्सक्राइब भी कर दें। वापस आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बादल आ गए हैं, अब जो पहले नज़र आ रहा था इसके ऊपर, अब ये वाला जो नज़र आने लग गया, और ये भी कितना ऊंचा है, और इसी तरह इस साइड पे और ऊंचे हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की ना दो चीज़ें मशहूर हैं, एक चीज़ उनकी नहीं तीन, तीसरे पहाड़, और दूसरी जो चीज़ मशहूर है ना वो ये बेल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि चीज़ मशहूर है और चीज़ भैंसों से गायों से आती हैं, तो गायों के गले में ये डलते हैं ये बेल्स, हर गाय के गले में एक आपको ये मिलेगी ताकि घूम ना जाए उनकी गाय। हाँ जी, और स्विट्ज़रलैंड आपको चलते फिरते बस कुड़ुंग 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 की आवाज़ें आती रहती हैं। सिमरन ने भी ली थी ना, सिमरन ने ली थी, मैं हूँ ना मैं, नहीं वो जो जी मैं हूँ ना मैं ली थी, ट्रेन भागने वाली जी बिल्कुल, ओ वो भी स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई है ना,
पर चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे बारिश शुरू हो गई तो हम लोग किसी मार्केट में खड़े हैं, तो फिर हमें आ गया हम कुछ खा लेते हैं। तो सामने तो फ्रूट है लेकिन हम कुछ और खाएंगे। फ्रूट में तुम्हारे लिए क्या लाऊं? यहाँ पे और तो कुछ अभी हलाल मिला नहीं, तो हमने फिर 4 केले ले लिए। अब आप अंदाज़ा लगा लो, ये 4 केले हैं 2.5 के, तो स्विट्ज़रलैंड कितना महंगा है। ये 2.5 के हैं और जो कि पाकिस्तानी 350-400 रुपये बन जाते हैं, तो मतलब 400 के 4 केले हैं ये, एक किस्म के खुला हिसाब। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे केबल कार्स की टाइमिंग भी ख़त्म हो रही थी, तो हमने फ्रूट खाने के बाद अपनी लास्ट केबल कार ली नीचे की तरफ और हमने कुछ असली खाना खाने का प्लान किया। खाना खाने जा रहे थे लेकिन खाना हमारे पास आ रहा है। खाना आ गया हमारे पास। सॉरी कुछ लोग ट्रिगर ना हो जाए। मतलब ये रोड पे ये खुला, मतलब चेक कर रहे हो? वो उनका मैन भी आ गया। ये अभी बाद में जाएंगी, इनकी बारी नहीं आई अभी, लाइन में लगी। तो खैर अब हम जा रहे हैं इंटरलाकन। इंटरलाकन है जी वो बोर्ड लगा, सानू जल्दी दिखो जल्दी दिखो जल्दी दिखो, इंटरलाकन हम यहाँ जा रहे हैं। ओके ओके। और स्टोरी है कि यहाँ पे हमने एक कोई टर्किश टाइप हलाल चीज़ ढूंढी है, टर्किश तो नहीं लेकिन हलाल टाइप, बस कबाब टाइप ढूंढे हैं। तो अब हम सिर्फ एक खाना खाने उस सिटी जा रहे हैं, हमारे प्लान में नहीं था। मतलब ये सारा इंटरलाकन मेन सिटी है, मैं बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो चलो उधर खाने पर पहुँच के मिलते हैं फिर। घंटों जलील हो गया, हमें हलाल मिल गया, डोनर जो टर्किश चीज़ होती है ना, शवरमे जैसा ही होता है लेकिन मीट थोड़ा डिफरेंट होता है। ये है, मैं रैप में गा रहा हूँ, जैनब दिखाओ, जैनब खा रही है बन। हमारे खाना खाने तक रात हो गई थी तो हमने अपना पहला दिन वही ख़त्म किया। हमारा दिन तो ख़त्म हो गया था लेकिन ये ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी और वीडियोज़ आएँ तब आप उनको देख सकें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।